हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू ओवरटेक। दोस्तों मेरा नाम है नवीन। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से आ चुकी है बम्पर वैकेंसी। जी हां दोस्तों, इस साल 2023 की नई भर्ती का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दिल्ली पुलिस की तरफ से, जो कि कांस्टेबल की पदों पर नई भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिया गया है एसएससी की तरफ से दिल्ली पुलिस की नई भर्ती का। दोस्तों अगर आप भी कांस्टेबल की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो बम्पर वैकेंसी आ चुकी है इस साल 2023 की 7500 से अधिक पदों पर। तो 7500 से अधिक पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आपको इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहा है, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आवेदन कब से कब तक चलेंगे, किस प्रकार आपको अप्लाई करना होगा, डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपसे शिकायत रहती है आप वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, रोजाना इसी प्रकार नई भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 के बारे में, जो कि इस साल 2023 की नई भर्ती है कांस्टेबल के पदों पर। 7500 से अधिक पदों पर यह भर्ती निकाली जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और इसके लिए जो योग्यता है केवल 12th पास है, यानी कि दोस्तों अगर आप 12वीं कक्षा पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की जॉब है, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट क्या होगी, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, फिजिकल टेस्ट आपके किस प्रकार लिए जाएंगे, कंप्लीट आपको जानकारी देंगे सीधा ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। तो चलिए आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। दोस्तों हमारी जो इंडिया की नंबर वन ऑफिशियल वेबसाइट है वो है tipsworldbus.xyz। यहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों आज ही वेबसाइट पर जाएं, भर्तियों की जानकारी लें और अप्लाई करें। आप चाहें तो इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। वही सेकंड नंबर की जो वेबसाइट है वो है neovoltech.co.in। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती के बारे में, जो कि इस साल 2023 की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो भर्ती निकाली जा रही है ये एसएससी की तरफ से निकाली जा रही है 7547 पदों पर, ठीक है। तो लगभग 7500 पदों पर वैकेंसी है, कांस्टेबल की भर्ती है, और मेल के लिए 5000 पद है, फीमेल के लिए लगभग 2500 पद है, ठीक है। आवेदन सिर्फ आपको ऑनलाइन करना होगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है उसमें सबसे पहले आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, फिर ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और उसके बाद आपके मेडिकल टेस्ट लिए जाएंगे। वहीं दोस्तों फिजिकल टेस्ट आपका किस प्रकार लिया जाएगा वो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फिजिकल टेस्ट में आपकी दौड़ होगी 1600 मीटर की, मेल के लिए 6 मिनट का समय दिया जाएगा और फीमेल को 8 मिनट का समय। वहीं लॉन्ग जंप होगी, मेल को 14 फीट लॉन्ग जंप लेनी है, वहीं 10 फीट फीमेल को करनी है, ठीक है। हाई जंप जो है 3 फीट 9 इंच लड़कों के लिए है और 3 फीट जो है लड़कियों के लिए, ठीक है, सभी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। वहीं दोस्तों यहां पर जो है रिलैक्सेशन भी है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। और एग्जाम आपका जो लिया जाएगा सीबीटी एग्जाम, ठीक है, सीबीटी बेस आपका जो एग्जाम लिया जाएगा उसका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा वो आप यहां पर दे सकते हैं। 100 सवाल दोस्तों आपसे पूछे जा रहे हैं, 100 नंबर के, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आप दे सकते हैं, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और यहां पर कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इस तरीके के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो आप दे सकते हैं कितने कितने सवाल है, कितने कितने नंबर के, तो हर एक सवाल एक नंबर का आपका होगा। सैलरी की बात की जाए तो 21700 से लगभग 70000 रुपए महीना आपको सैलरी मिलेगी लेवल 3 के अकॉर्डिंग। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई। तो मिनिमम जो एज है वो 18 साल है, मैक्सिमम एज जो है 25 साल है, और आई सीमा में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल ओबीसी के लिए केवल 100 रुपए है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। वहीं एससी एसटी एक्सेसमेंट और पीडब्ल्यूडी के लिए बिल्कुल फ्री है, और पेमेंट सिर्फ आपको ऑनलाइन करना है। दिल्ली पुलिस की जॉब लोकेशन रहेगी, और यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो केवल 12th पास यानी कि 12वीं क्लास पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। तो अगर आप
इंटरमीडिएट है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आवेदन कब से कब तक चलेंगे? तो 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक इसके आवेदन चलेंगे, क्योंकि यहां पर नोटिफिकेशन पे पूरी जानकारी दे रखी है। आप देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की तरफ से 2023-24 का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें आप जाएंगे तो 13 नंबर का जो सीरियल नंबर है उसे चेकआउट कर सकते हैं। कॉन्स्टेबल की जो भर्ती है मेल फीमेल की दिल्ली पुलिस की, उसके जो आवेदन है 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक चलेंगे, और आपका जो पेपर 1 एग्जाम लिया जाएगा वो नवंबर दिसंबर 2023 में आपका एग्जाम भी लिया जाएगा। तो फाइनली अपडेट आ चुका है SSC की तरफ से, और ये ओल्ड नोटिफिकेशन है जिसके बिहाफ पे आप तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका एग्जाम का पैटर्न सिलेक्शन सब इसी प्रकार रहेगा। ठीक है तो आज से अपनी तैयारी में लग जाए, जैसे आवेदन शुरू होंगे चरण के थ्रू आपको अपडेट किया जाएगा, तब तक चरण को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।